प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं, अच्छे कंटेंट की वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई स्प्रिंगी बॉय। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका ओके स्टाफ एप्लीकेशंस क्या है और आप इस एप्लीकेशंस को कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी भी एप्लीकेशंस को यूज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसको जाके इंस्टॉल करनी। इसलिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जानी है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है ओके स्टाफ। इसके बाद जो यहाँ पे ओके स्टाफ एप्लीकेशंस, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, ओके स्टाफ एप्लीकेशंस जो आपका जैसे कि पगार बुक एप्लीकेशंस था उसी तरीके से ये एप्लीकेशंस है। इसका भी आप डाउनलोड देख सकते हो, ये अभी बहुत ही न्यू एप्लीकेशंस है। पगार बुक एप्लीकेशंस में जैसे आप स्टाफ का खाता को मैनेज कर सकते थे, इसी तरीके से आप ओके स्टाफ एप्लीकेशंस में आप किसी भी अपने जो है मजदूर का या फिर जो किसी भी अपने जो आपके यहाँ काम करते हैं उसका खाता आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि अपने स्टाफ का खाता मैनेज कर सकते हो। और ये जो ओके क्रेडिट का ही एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अभी बहुत ही न्यू है, इसलिए इसका अभी 1000 ही डाउनलोड्स हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ जाए इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करनी है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को कर लेनी है ओपन। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगी। तो आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करनी है, यहाँ पे एड स्टाफ का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल से एड स्टाफ के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको स्टाफ का कोई सा भी नाम दे देनी है, जो भी आपके स्टाफ का नाम हो। इसके बाद नीचे में आपको उसकी मोबाइल नंबर फिल कर लेनी है, जो भी उसका मोबाइल नंबर हो। इसके बाद जो सिंपल से यहाँ पे आपको सही के अकाउंट पे क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे आप उसे कितना मंथली सैलरी देते हो, सिंपल से यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आप उसे पर मंथ देते हो, यहाँ पे इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप जो उसे मतलब कि एक वीक में 30 दिन छुट्टी देते हो, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं वीकली में सिर्फ संडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे 2 से 3 स्टेप्स करनी होंगी। यहाँ पे आप उसे एडवांस कितने पेड किए हो, जैसे कि मैंने एक स्टाफ को आपको दिखाया कि जैसे कि स्टाफ का नाम टिंकू है, तो मैंने उसे एडवांस कितने पे किए हैं यहाँ पे मैं दे दूंगा। उसका ड्यूज कितना है तो सिंपल से यहाँ आपको लिख लेनी है। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर इसके बाद जो सिंपल से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। तो आपका जॉब का टाइटल क्या है, कौन सा आप उससे काम करवाते हो। तो होता है ना बहुत सारे जॉब का टाइटल, तो वो जो होता है काम करता है। एक मान लो कि आप मैनुअल वर्क करता है, तो मैं इसे यहाँ पे मैनुअल दे देता हूँ, मैनुअल। ये हो गया आपका आप सेव। इसी तरीके से आपको भी सेव कर लेनी है। यहाँ पे सेव डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हो स्टाफ मेरा जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे टिंकू किया, 7 नवंबर कितना मैंने पेमेंट किया। यहाँ पे आप पेमेंट के ऑप्शंस पे क्लिक करके पेमेंट देख सकते हो, आपने किसे पेमेंट किया या फिर किसे आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है अपना खुद का प्रोफाइल अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शंस दिखाई देता होगा, सिंपल से व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज भेज सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। इसके बाद जो इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो ओके स्टाफ एप्लीकेशंस को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए शानदार रही होगी। कैसी लगी आज क्या मेरी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।